खेलते हैं 10 करोड़ रुपयों की 10 का दम। लेट्स प्ले। आपका पहला प्रश्न ये है कि कितने प्रतिशत भारतीय पुरुष सोचते हैं कि लड़की के साथ कहीं जाए तो बाइक के बजाय कार से चलने में ज्यादा फायदा है। आपका तो बाइक पे बहुत ज्यादा फायदा हुआ है क्योंकि आपकी तो शादी हो गई। बाइक भी बेचनी पड़ी। क्यों? बाइक तो आपके काम आई है क्योंकि ये जब डेट कर रहे थे नताशा को तो ये तो कह रहा है वो नताशा को समझ में आ गया कि बाइक की वजह से शादी हुई, इसने शादी करने के बाद बाइक बेच दी। शादी नहीं कर रहा। आई थिंक आपको ये बाइक पे जाना है इफ यू प्रेफर बाइक्स और कार। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर। आप ट्रैवल नहीं, आप अपने हिसाब से बताइए ना। मैं अपने हिसाब से नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, जनरली बोल रहा हूं। आई मीन जनरल परसेप्शन कि अगर इफ द गर्ल इज अ लिटिल स्लो एंड कंजर्वेटिव तो बाइक ज़्यादा बेहतर होती क्योंकि चॉइस नहीं होता, शी होल्ड्स यू। और अगर कितना कमीना है तू, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। बट अगर अगर आप किसी ऐसे के साथ जा रहे हैं जो जो ओके देन यू प्रेफर अ कार। आई प्रेफर अ कार, आई लव ड्राइविंग। अगर कॉलेज के लड़के हो तो डेफिनेटली बाइक पे प्रेफर। बाइक्स डेफिनेटली बाइक पे प्रेफर करेंगे। और जब उम्र थोड़ी बढ़ी आती है तो यू नीड मोर कंफर्ट, सो देन यू वांट टू यू प्रेफर कार्स। एक अनुमान लगाइए, व्हाट शुड वी गो ऑन बिटवीन 20 एंड 60। और ये साहब भी जरा वोट कीजिए प्लीज। नो फॉर 30 15 टू 54 व्हाट इज इट 40% विंडो इट्स ओके। ओके 20 to 60। आप ऑडियंस पोल देखेंगे? हाँ देखेंगे। ऑडियंस पोल दिखा जाए प्लीज। 40 से लेके 60 पे ये फायदा किसके लिए होगा? एक तो फायदा होगा कि एक वो जो एक छिछोरापन चलता है ब्रेक मारने का, एक वो फायदा जब बाइक पे। हाँ नहीं, एक एक क्लोजनेस का होगा, एक गाड़ी में प्रिवेसी का होगा। नहीं, अब प्रिवेसी में जाओ तो गार्डन्स वगैरह से पुलिस वाले लठ मार मार के भगा देते हैं। आपने देखा होगा टीवी पे, लगता है सलमान ने बाइक की पीएचडी की। नहीं मैं देखता हूँ टीवी पे थोड़ा सा इसका, हाँ थोड़ा सा रिसर्च भी है इसके ऊपर। और फिर कुछ लड़की ऐसी बैठ जाती है बाइक पे वो हैंडल पीछे पकड़ के, तो उनको तो बाइक से उतार ही देना चाहिए। कम क्लोजर, नो अच्छा लिसन, हेलो गाड़ी में चलते हम लोग, आप कहाँ रहती जा। Bottom line is bike पे जाना बहुत ही romantic है, and I think we all love it. We all love it. Yeah. वो हवा, वो मजा, वो park और sunset and dog. वो हवा तो पता नहीं अब pollution में. That's the way to do it. Lovely. हाँ तो क्या करना चाहिए? 20 से लेके 60 पर आपने लगाया है. Yeah. छापना चाहेंगे? छाप दो. Shall we? आप दिया अजय और फरदीन ने 20% से लेके 60% पर। आए देखें कि ये 10,000 रुपए जीत पाते हैं या ये भी नहीं। आप लोग जीत गए ये पहला राउंड और अब आप खेलेंगे 1,00,000 रुपयों के लिए। खिड़की है 30% की। प्रश्न दिल धड़क है ये मोहब्बत हिसाब तो। अच्छा जी,
अच्छा ये है कॉमेडी सर्कस थ्री के कृष्णा और सुदेश। हाँ जी सर जी, हमारी तमन्ना है कि हम भी कुछ कहना है सर जी। ऑल द बेस्ट फॉर योर शो। ओ थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया जी। सर जी हमारी ना दिली तमन्ना है कि 10 कदम हम भी खेलें। आइए ना खेलिए ना। आपने इजाजत दे दी, मैं सोच रहा था कि शायद आप इन जैसों पे मुंह नहीं लगते। नहीं नहीं नहीं, हम रिस्क नहीं लिया, हमने रिस्क नहीं लिया, हम अपना सलमान साथ लेके आए हैं। तालियां। इसकी एक्टिंग मुझे पसंद नहीं आई ना, होस्टिंग पसंद नहीं है तो सोच लेना। गया तू, अब मार सिटी बुला ले उसको। ना कोई मंजिल है, ना कोई शादी है, फिर भी निकल पड़ा हूँ घर से। क्या जिसकी तलाश है वही साथी है, वही मंजिल है। भाई, 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 मैं भी आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर। सर 20 कदम में रोज देखता हूँ। लेकिन ये तो 10 कदम है। नहीं रिपीट भी देखता हूँ ना सर, दो बार देखता हूँ। ओके। तो मेरे लिए 20 हुआ ना सर। आपको यकीन नहीं आ रहा कि हम आपके फैन हैं सर जी, हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। ये देखो, आई लव यू। वेरी गुड। इसको मैं रख के आया। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं कभी तुम दोनों को मिला नहीं। बैड बैड बैड। अरे भाई भाई सर सर, छोटी सी तो हमारी इंडस्ट्री है और इस इंडस्ट्री में बहुत अच्छे अच्छे एक्टर हैं। नहीं मुझे मालूम है कि आप जैसे एक्टर कहीं नहीं है सर। बिल्कुल सही कह रहे हो, हर एक्टर का डुप्लीकेट मार्केट में घूम रहा है, लेकिन मेरा डुप्लीकेट नहीं, ओरिजिनल मार्केट में घूम रहा है। सर जी कलाकार और भी काफी आए होंगे, उनको भी बुला लीजिए, सेलिब्रिटी का दिन है। हाँ तो सबसे पहले आने जा रहे हैं मेरे आदरणीय जीतू जी, मेरे मेरे प्यार प्यारे जीतू जी। जीतू जी। जीतू रहो बेटा। अरे ताकी रे, ताकी रे, ताकी 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 रे। अरे अरे सलमान, तुझे पता है इस शो को मैं पहले जज करने वाला था, लेकिन इस शो में तो कोई जज है नहीं। मैं नहीं हूं ना, इसलिए नहीं है। अपना अपना यूएसपी होता है यार, समझा करो। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए गजल गायक सुखविंदर सिंह। बेटे मैं बुला नहीं रहा, हारमोनियम भी आ रहा हूं। अरे यार सलमान तूने भी नहीं पहचाना, ये सुखविंदर सिंह नहीं है, जगजीत सिंह जी अपने। वही मैं सलमान हूं, कुछ भी बोलूंगा। आप गई ना, होठों से छूलो तुम। अरे क्या जगजीत जी, होठों से छूलो तुम, आपके होठ तो आपस में छूते नहीं है, दूसरों के क्या छुओगे। वैसे भी आजकल स्वाइन फ्लू फैला हुआ है यार, ये ढक्कन बंद रखा करो। वेरी गुड। 10 कदम खेलना है। एक मिनट, वो कितने पैसे जीत जाते हैं इसमें? सिर्फ 10 करोड़। बस 10? वो चलो फोन ही रिचार्ज करवा लेंगे। ठीक है, खेलते खेलते जी। खेलना है ना, खेलेंगे। तो आए यहाँ पर हम मिलके खेलते हैं 10 का दम। तो पहला प्रश्न है कि कितने प्रतिशत भारतीय ये जानते हैं कि तुम दोनों मुझसे बहुत पिटने वाले हो? सर ये खिड़की कहाँ है? नहीं मेरा मतलब है खिड़की कितने प्रतिशत की होगी सर? 0%। तो सर जी दरवाजा किधर है? जरा सा भागना था। भागो। अबे रुको, भागो। अबे रुक, अबे तुम तो, मैं बताता हूँ तुम्हें कॉमेडी सर्कस 3 में, ये तुम्हारा इंसाफ है क्या? बुरे का भला करते हो और भले का भला नहीं करते हो, मेरा बुरा क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? क्या सही कहा, ये शो मेरे बस का नहीं है। आई, आई, बड़े भैया, बड़े भैया, ये शो मेरे बस का नहीं है, आइए ना प्लीज। Lovely, lovely, lovely.
फरदीन तू बड़ा हंस रहा था इस पे यार। इट डिड अ गुड जॉब। थैंक यू। इट डिड अ गुड जॉब।